बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। आज ज़रा क्वेश्चन की तरफ चले। आज मैं ये जो क्वेश्चन करूँगा वो बेसिकली समर 2010 का पेपर 31 का है। ये अभी समर 2010 से वेरिएंट्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आज ज़रा इसमें देखते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर 2+2 आयोटा इज नोटेड बाई यू। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ यू। 2+2 आयोटा अगर मैं प्लॉट करूँ, 2+2 आयोटा, तो 2+2 आयोटा 2,2 येगा, तो ये इसका आर्गुमेंट, देखें इसका आर्गुमेंट ये 2 और ये r, इसका जो मॉडुलस आएगा वो 2+2 आयोटा का मॉडुलस, बेसिकली फाइंड द मॉडुलस ये कर रहा हूँ फर्स्ट, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये कितना जाएगा, 8 अंडर रूट लिखें तभी ठीक है, या इसको 2√2 करके लिखें तभी ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, अब इसका आर्ग्यूमेंट देखें, ये थेटा है, तो इसका आर्ग्यूमेंट 2+2 आयोटा का क्या जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2/2, तो टेंजेंट इनवर्स 1 का पाई अपॉन 4 या 45 डिग्री, इसका आर्ग्यूमेंट भी मिल गया, यानी इसका मॉडुलस मिला √8 और इसका आर्ग्यूमेंट मिला पाई अपॉन 4 या 45 डिग्री। अच्छा, अब आगे ये कह रहा है स्केच एन आर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स नंबर्स 1 आयोटा यू। आप थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करें, ये 1 है, ये 2 करें इधर, ये जितने डिस्टेंस पे ये 1 और ये 2, ये -1 और ये -2, थोड़ा सा इधर हो जाएगा -2, अंदाजन से -1। आप एग्जिट, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो तो एग्जिट ज्योमेट्री बॉक्स से करें। अब ये पहला पॉइंट है 1 है हमारा, ये ए सपोज मिल रहा हूँ, 1 है, 1,0 ए पॉइंट है, ये सपोज ए। बी पॉइंट है आयोटा, यानी ये 0,1, ये बी पॉइंट है हमारा, एंड यू जो है 2+2 आयोटा है, यू 2+2 आयोटा, 2 और 2+2 आयोटा, ये रहा हमारा 2,2, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब क्या कहता है, हूज पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड व्हिच सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज, जेड -1 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू जेड -i मॉडुलस। तो जेड -1 मॉडुलस इज लेस, ये बेसिकली आपको पता है कि यानी हमारा क्या होगा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो 1 और आयोटा का मिला है, 1 और आयोटा ये है, ये पॉइंट है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल ऐसे गुजरेगा और 2,2 से भी पास ही होगा, ये 2,2 सपोज इधर है, इसे ही पास होगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली उसे निकालेंगे कंपास से, तो इधर रख के ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे आएगा ये ऐसे और इस तरह आएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका निकल आएगा। मैं ये लेक्चर्स में सिखा के आया हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब ये लेस देन इक्वल टू जेड माइनस वन, ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यानी ये हमारा शामिल है, पहले तो ये देखें, ये हमारा शामिल है ऐसा और ये ऐसा शामिल है, लेस देन नीचे वाला ऐसा आएगा, ये ऐसा हुआ पहले इस इनइक्वालिटी का। और अभी जेड माइनस यू लेस देन वन अगर शामिल करूँ, जेड माइनस यू लेस देन वन है, तो ये 2 है और लेस देन 1 का मकसद होगा, अगर इसका सब मैं सेपरेट ले लूँ, 2 ये रहा हमारा 2, 2, 2,2 u, तो इसका सेंटर बन, ये बनेगा इस तरह सर्किल जिसका रेडियस 1 होगा, 2, 2 और इसका सेंटर 1 होगा, और ये सर्कमफेरेंस शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। तो देखिए, अगर मैं इधर करूँ तो ये 2 है, ये 2 है, ये सारी ये 2 इसका जो है, देखें जब इनका कंबाइन हिस्सा होगा तो एक तो ये लाइन आ रही है और दूसरा ये आ जाएगा, यानी आपका कंबाइन बेसिकली इस तरीके से आ रहा है, 1 आएगा, सारी 1 इधर तक ही होगा इसके साथ में ही, सारी मेरे पास वो नहीं है ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह इधर इस्तेमाल में कर नहीं सकता, तो अंदाजे से ही मैं करता हूँ, आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स से करेंगे, एग्जैक्ट करेंगे। देखें 2 का रेडियस बेसिकली ये 1 के इधर से ये गुजरेगा, ये होगा सर्किल, तो ये ऐसा, एक तो ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा कॉमन आ जाएगा, यानी अगर मैं इसका लोकस में पॉइंट करना चाहूँ तो
जो कंबाइंड लोकस होगा वो ये 2.2 है और सर्किल 1 का होगा, ये 1 रेडियस है और ये इधर से ये सीधा इसके साथ जाएगा, तो ये हिस्सा होगा और ये भी हमारा डॉटेड हो जाएगा, ये डॉटेड हो जाएगा। तो ये हिस्सा सिर्फ हमारा आंसर होगा जो दोनों के कंबाइंड रीजन होगा, ये आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखें, ये देखें ना, यानी आप इसका देखें पहले, इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये एक हिस्सा तो ये है, अगर मैं दो पेन इस्तेमाल करूं, तो अगर दो पेन इस्तेमाल, एक बार फिर मैं समझाता हूं क्योंकि ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। एक हिस्सा देखें, हमारा एक हिस्सा तो ये 1 है, ये 1 और ये 1 है, ये 0.1 है और ये 1.0 है। तो इसका देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो गुजरेगा, मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये गुजरेगा, इसको मैं और ये क्योंकि ये शामिल है तो ये रेड से मैं कर रहा हूँ और इसको डॉटेड भी कर रहा हूँ, तो कॉमन हिस्सा जो रेड और उसमें आएगा वो कॉमन होगा, ये रेड का ये हिस्सा है और 2.2 यकीनन इस जगह पे 2.2 है, इधर 2.2 है, ठीक है। तो जब सर्किल गुजरेगा तो यानी सर्किल इसका 2.2 इधर सर्किल निकालेंगे तो हमारा 2.2 पे सर्किल, ये सर्किल होगा, ठीक है। और सर्किल का कहता है कि सर्किल का देखिए कौन सा ऐसा शामिल है, पूरा और लेस देन का मकसद है कि ये सारा शामिल है, ये वाला ऐसा। तो आप दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन ये आ रही है बेसिकली, अगर आप कॉमन देखेंगे तो ये ऐसा कॉमन आ रहा है, ये ऐसा हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि जब दो हो तो इसको सेपरेट किया करें, कॉमन हिस्सा दोनों का जो शेडेड में आए वो ले लिया करें, जैसे मैंने अभी किया। अब यूजिंग योर डायग्राम कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड मॉडुलस फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन फॉर विच आर्गुमेंट जेड इज लीस्ट, आर्गुमेंट जेड जो हमारा हिस्सा है, एक ये हिस्सा इसमें है और ये हाफ सर्किल पूरा ये हिस्सा, तो इसमें कम से कम जो आर्गुमेंट जेड आएगा, आर्गुमेंट जेड इसके ऊपर टेंजेंट होगा, ऐसे टेंजेंट बनेगा इस तरह, ठीक है, टेंजेंट बनेगा। मैं इसको दोबारा निकालता हूँ, इधर आप देखिए कि ये 2.2 है और ये जेड ये इधर आएगा बिल्कुल, ये टेंजेंट इसके साथ ये टेंजेंट होगा, तो ये सा रेडियस इसका 1 है, ये 1 है, यही जेड है हमारा, तो हमें ये ओ जेड चाहिए और ये यू है हमारा, यू 2.2 है। तो आप देखें ये ओ यू है, ओ यू हमें मिला हुआ है, ओ यू हमने निकाला है 8√8 और ये 1 है, तो ओ जेड चाहिए, तो ओ जेड कितना आ जाएगा, ओ जेड आ जाएगा ओ यू का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस यू जेड के स्क्वायर के। देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, माइनस यू जेड स्क्वायर अंडर रूट के, ठीक है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, ये टेंजेंट 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 1 है, ये रूट 8 है, तो ये ओ जेड मालूम करें, तो ओ यू है हमारा अंडर रूट 8 का स्क्वायर और माइनस यू जेड है 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 1 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट। तो ओ जेड यानी जेड मॉडुलस, या मैं कह सकता हूँ कि जेड मॉडुलस जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 7 होगी। आप एक बार फिर देखें कि कम से कम जेड ये होगा टेंजेंट, इधर आर्गुमेंट जिसका लीस्ट आर्गुमेंट है, इधर देखें ये पूरा हमारा आंसर, लेकिन सबके लिए आर्गुमेंट कम से कम आर्गुमेंट इसका बनेगा जो एंगल इसके साथ होगी, ये एंगल कम से कम है, तो अगर ये जेड है, ये टेंजेंट है 90 डिग्री, तो ये हम ओ यू तो हम इसका मॉडुलस निकाल चुके हैं, रूट 8 है और इसका 1 है, तो रूट 8 और ये 1 है, तो ये ओ जेड हमारा आ जाएगा, देखिए ओ जेड कितना आ जाएगा, ओ यू का स्क्वायर और माइनस यू जेड का स्क्वायर, इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन।